तुम्हारी बीबी गोरी गोरी वा तो जीभ की चटोरी में से कचोरिया मंगाओ और अकेली खा जाओ। मारी बीबी गोरी गोरी वा तो जीभ की चटोरी में से कचोरिया मंगाओ और अकेली खा जाओ। मैं सिंगटो बताओ और ऊपर सू चढ़ाव मुंह हो गयो परेशान उन्हें छोड़ूंगू के मुंह तो सो नीचे पर वा भैंस पलंग फसो मुंह तो सो नीचे पर वा भैंस पलंग फसो कदी दुखाव पेट कदी तो माथा न वारो के सोता और दर के उड़ता ही जमके ताना मारे कदी कदी गुस्सा में मारे बेलन की धड़ता न तन खटी मुंह फसा दियो भगवान उन्हें छोड़ूंगू के जरा सीखताई तो वाखाबा मई दौड़े जरा सीखताई तो वाखाबा मई दौड़े अर घर का जे समझाव तो वाक प्लेट न फोड़े घर का जे समझाव तो वाक प्लेट न फोड़े के सोते और तड़के उड़ता ही जमके ताना मारे कदी कदी गुस्सा में वा तो बेलन की धरतान के रोटियां पटके ठोक ठाक और बर्तन मसे मजावे घर की बात काई बतलाऊ कपड़ा तक धुलवावे के घर की बात काई बतलाऊ कपड़ा तक धुलवावे के बुआरो मुंह खुद खा दूं और पोचारो मुंह ही लगाऊ आठ बजे पटे लड़न पलंग पे छाई पुआऊ तो न खटी मुंह फसा दियो भगवान उन्हें छोड़ू ऐसे ही कोई यात्री जल्दी भी नहीं छोड़ू पूरा मजा ले छोड़ू के क्रीम पाउडर लिपस्टिक का पर्चा रोज बतावे क्रीम पाउडर लिपस्टिक का पर्चा रोज बतावे रन लाऊं तो काई करूं रे मर बासू डर पावे अकेली बाजारा जावे साड़िया वाले आवे ब्लाउज भी उधार लावे मारो नाम मडावे और भाई रोइन बनी परे और जूत सुरेंद्र कावे मारा उड़ गया टाटे का बाल उन्हें छोड़ू अब तो छोड़ू अरे बड़ा सब आड़ो देखा भी मनमान की इच्छा पर वो पढ़वा को मौको ही न मिले पर आज मनोगी और मुखर्जी को आज स्वागत हाँ। नहीं नहीं आप समापन शिखर कलश तो तैयार रखेगा चलो एक और आरती को सुन लो या कहानी कर कर कीजिए मारी पत्नी को दो लाइन में या बार थोड़ा सा दिन में 15 दिन में टीवी पे भी आओगे योगी हाड़ोती कोई पर वो ट्रांसलेट करके वहां बोले जे स्वागत है हिंदी में ट्रांसलेट करके के पत्नी बोली प्यारे प्रियतम पास मेरे या जाओ तुम मुझ में और मेरी सोतन में फर्क तर्क समझाओ तुम। ये प्रश्न छोटा सा उसका पूरी कविता में मेरा उत्तर मजा लेना आनंद लेना जहाँ जहाँ आपको आनंद की उत्पत्ति हो उसे रोकना मत तालियों में तब्दील करके मुझ तक पहुंचाना तालियों से आपकी थोड़ी ठंड भी कम हो जाएगी सर्दी भी कम हो जाएगी। स्वागतम कि पत्नी बोली प्यारे प्रियतम पास मेरे आ जाओ तुम मुझ में और मेरी सोतन में फर्क तर्क समझाओ तुम। अब मेरा जवाब मैं बोला रही सुन मेरी प्यारी मैं बोला रही सुन मेरी प्यारी सबसे पहला अंतर है तेरी आंखें गुर्राती है उनमें जादू मंतर है। मैं बोला रही सुन मेरी प्यारी सबसे पहला अंतर है तेरी आंखें गुर्राती है उनमें जादू मंतर है उसमें और तुझ मेरी सुन ले एक फर्क है बहुत बड़ा उसमें और तुझ मेरी सुन ले एक फर्क है बहुत बड़ा तू पत्तल की पूरी लगती वोटी नर का दही बड़ा तू पत्तल की पूरी लगती वोटी नर का दही बड़ा तू घूंघट में सिमटी सिमटी और वह खुल्लम खुल्ला है तू घूंघट में सकुची सिमटी और वह खुल्लम खुल्ला है तू मावे की तू बेसन की बर्फी जैसी वह प्यारा रसगुल्ला है तू बेसन की बर्फी जैसी वह प्यारा रसगुल्ला है वो लगती गाजर का हलवा और तू लगती सीरे सी
वो लगती गाजर का हलवा और तू लगती सीरे सी, वो लगती है कार मारुति तू टूटे ठंडी रेसी। उसका और मेरा रिश्ता तो नहीं आज का बचपन का, उसका और मेरा रिश्ता ही नहीं आज का बचपन का। वो मॉडल सन 85 का, तू मॉडल सन 55 का, वो मॉडल सन 85 का, तू मॉडल सन 55 का। मैं बोला के अब मत मेरा ज्यादा भेजा खाओ तुम, पत्नी बोली कहीं से भी हाथ से निकल आता है साहब। अभी अच्छा ये कोरोना काल में कहीं कहीं नो हो साहब, आपने एक मैंने 18-20 साल पहले एक छोटे से व्यंग लिखे जो वो कोरोना काल में सार्थक हो गया होगा। आपने भी देखा होगा टीवी पर अखबारों में एक न्यूज आई कि लाडो दिल्ली में लॉकडाउन लाग रहे हो, पूरे कर्फ्यू लाग रहे हो देश में, लाडो दिल्ली में, लाडी बंबई में और पंडित बेंगलोर में बैठो बैठो नेट से फेरा पड़वा रहे हो। यह हुई और यह हमारा कल्पना में लिखी थी कि एक बंदे ने अकल के अंधे ने इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर ही कर ली सगाई, इंटरनेट पर ही शादी और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया, लड़का और लड़की दोनों खुश कि चलो इस बार ने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया, कोई टेंशन नहीं। ये सब हुआ और ये पंडित जी तो विश्वास ही उठ गए मारो पंडिता बस। अब बताओ पूरा कर्फ्यू लाग रही हो सब घर में, कोई कहीं ना आ रहा जा रहा, एक कमरा से दूसरा कमरा में ना जा रहा, अब कर कहीं रहा था थार मा सब या तो मोबाइल पर नेट चला रहा या टीवी देख रहा। अब एकदम मैं भी टीवी देख रही तो पंडित जी आ रहा सुबह सुबह और वो भविष्य फल बता रहा। अब मारी राशि आ रही तो मैंने रोक लियो। अब वो पंडित जी कह रहे आज शाम को ठीक 5:30 बजे सारे 5-5 शुभ ग्रह आपके घर में प्रवेश करेंगे। अब मारा तो टेंशन मैंने कि यहाँ तो 2.5 महीना से लोग लुगाई अलग अलग कमरा में सो रह जाए। अब ये 5 और आओगा एक साथ यहाँ मैं कहाँ सो आनेगा, 2.5 महीना से तो रसोई में सो रही चटाई बचा तो टेंशन हो गया साहब। और यह और करेगा कि शाम को 5:30 बजे आप बहुत ऊंचाई पे जाओगे, अब वो टेंशन। अरे मन की यार हवाई जहाज बंद, ट्रेना बंद, बसा बंद, खुद की कार से न कार छोड़ो मोटरसाइकिल छोड़ो बाहर पैदल ही ना कर सका, अब ऊंचाई पर कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, खाई से जाऊंगा टेंशन। उठी खिड़की में से नीचे रोड पर देखो तो केवल 2 गाड़ियां नजर आओ, एक तो पुलिस की एक वो लाल बत्ती की एम्बुलेंस। अब वो एम्बुलेंस देख रहा और ज्यादा टेंशन। अरे मैंने कहा तो घनी ऊंचाई पर ले जाओ थे और या तो ले जाओ थे फिर फांसी थोड़ी लाओ थे अबार जी के तय लेगी फांसी ने लाई और ज्यादा टेंशन। अब मारो तो न तो रोटियां भाई न पानी न खाए, वो तो बैठे बैठे और पड़ो पड़ो वो पलंग पर घड़ी देखूं 4:30, 4:45, 5:30 बजे से ही काटोगी हो तो पंडित जी की आधी बात तो साथी घटी। एकदम से घर आए पान बड़बड़ा भीतर और कहीं पड़े पड़े टीवी देख रहे हो दिन भर से फालतू, और वो आम आदमी पार्टी को चुनाव चिन्ह झाड़ू पकड़ा और ऊपर छत पे जाओ झाड़ू निकाल करके आओ। और मैंने कहा आ गया ऊंचाई पे, जिंदगी में पहली बार आया इतनी ऊंचाई पे। तो अच्छा एक और बात हुई साहब, हिंदुस्तान को लॉकडाउन में हिंदुस्तान को हर आदमी हलवाई हो गयो, वो यूट्यूब में देख देख बेटी अलग रेसिपी बना रही, बेटो अलग रेसिपी बना रही हो, घरवाली अलग बना रही, वो आदमी भी बना रहे हमारे दिशा ना हो जी बनाने कहीं कहीं तो मैं बर्तन ही मार रहा लेकिन सब काम पे लाग रहे। अच्छा आए थे ईमानदारी के लिए तो काले पड़े थे यार। अरे ये तो ये भी माजे जा पर ये कोई नहीं यार आपने कहते जा रहे पड़े माजे याने भी जे। अब आए दिन अशो आए दिन लाओ बेसन, लाओ सूजी, लाओ मैदा, 2-4 दिन में अब रोज 4-4 आइटम बन रहे कहीं ना कहीं 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 कोई कहीं लाओ मैदा, लाओ बेसन, लाओ सूजी, अशो लाग रहे तो जैसे ही कोरोना में लॉकडाउन में देश से कोरोना के तय ना ये सूजी और मैदा के तय खत्म करना जी। हाँ।
अब एक दिन तो अड़की साहब का ढाई महीना हो गया पकौड़े खाया बेसन आनी चाहिए चाहे खाए अरमन की बार कर्फ्यू लाग रही है काम मैंने भी आज पर था कि चाल भी जुगाड़ करो लेकिन बेसन लाओ तो मैंने एक किराना का दोस्त के तय फोन करो किराना वाला के तय मैंने कि यार बेसन चाहिए यहाँ हालत बहुत खराब है यार कर्फ्यू लाग रही है मैंने कि यहाँ कर्फ्यू से भी ज्यादा यहाँ मर्डर हो जाओगे हाँ तो कहीं भी जुगाड़ कर लेकिन बेसन तो दे तो उनकी चाल अच्छी कर गलिया गलिया में मेन रोड से मत आजा गलिया गलिया में और आजा और फाचे को गेट खोल शटर ऊंचो कर मुँह बेसन दे दूंगा मुँह गलिया गलिया में सब गयो था उन्होंने फाचे को आधो शटर खोलियो और बेसन तो ली रियो जो अतरा में पुलिस की गाड़ी आ गई हो गयो काम अब मुंह गयो तो लिया है बेसन मन की न बेसन तो न लाए सूजी लाए चू बहुत बारीक बात है सूजी लाए थी अच्छा आठ दिन बाद ही फेर लाओ मैदा फेर लाओ बेसन फेर लाओ सूजी फिर मैंने उनको फोन करो मैंने कि यार सूजी पड़ी जगह तो उन्हें कि तू जिदन बेसन ले आयो जो ना उदन से सूजी पड़ी जे